हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आई हूँ नर्सरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा ये काम पेंडिंग था। मुझे कुछ इंडोर के लिए प्लांट्स लेने थे। मुझे प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है, इंडोर प्लांट्स जो घर में बहुत अच्छे लगे, मैं वो लेने आई हूँ। बट मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। ये मैं अपने सोसाइटी के पास वाले नर्सरी में आई हूँ, फिर मुझे यहाँ से कुकटपल्ली की तरफ जाना पड़ा। जो लोग वहाँ रहते हैं वो जानते होंगे। वहाँ की नर्सरी में गई, तब मुझे कुछ कुछ प्लांट्स पसंद आए अपने इंडोर के लिए, और मैंने कुछ और पॉट्स भी लिए और ट्रे भी लिए। वो क्यों लिए वो आपको इस ब्लॉग के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप इस ब्लॉग के साथ बने रहिए। और यहाँ पे मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स ले लिए हैं, लेकिन जो मेरे प्लांट्स सूख गए थे उसको मैं निकालने का कोशिश कर रही थी, बट बहुत मेहनत लग रही थी। मैं पिछले 15-20 मिनट से यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ इसको निकालने का, बट ये निकल ही नहीं रहा था। जबकि इसकी मिट्टी जो थी वो गीली थी, लेकिन फिर भी पता नहीं बहुत अच्छे से इसका जो रूट्स होता है ना वो अंदर से जकड़ लिया था। मे बी इस वजह से नहीं हो रहा होगा। मैं करते करते थक गई। एंड में मुझे चंदन को बुलाना ही पड़ा। बट यहाँ पे चंदन से भी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्लांट्स को निकाल के फिर इसके रूट्स को निकाल के देन मैं मिट्टी को यानी पॉट को पूरा उल्टा पलट दूंगी। तो मैंने वही किया, धीरे धीरे इसके रूट्स को निकाला एंड देन पॉट को मैंने पलट दिया। वो आप आगे देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइनली पॉट को पलटा और धीरे धीरे इसमें से मिट्टी निकलने लग गई थी, बट फिर भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। और मैं बस कंटिन्यू लगी हुई थी, क्योंकि मुझे काम ख़त्म करना था आज ही। मुझे सारा काम, मतलब प्लांटिंग का, आज ही करना था मुझे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी इंडोर प्लांट्स लाए हुए हैं। एक का तो मुझे पता है स्नेक गार्ड है। स्नेक गार्ड ऑलरेडी मेरे घर में भी था, मैं एक और लेकर आई हूँ। और जो आपके सामने लंबा सा दिख रहा है, मुझे नहीं पता इस प्लांट का नाम क्या है, बट मुझे बहुत खूबसूरत लगा इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने फाइनली पॉट में स्नेक गार्ड लगा लिया। और उसके बाद ये कुछ खाद का पैकेट था, जो कि आप डालोगे तो इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, तो फिर वो भी मैंने ख़रीदा था। तो मैं सारे ही उसमें पॉट में डाल के एंड फिर जो नीचे मिट्टी थी ना उसमें डाल के मैं अच्छे से उसको मिक्स कर रही थी, यानी कि सारा जो उसमें खाद था मैं इसमें मिक्स कर रही थी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और आगे जो मैं पॉट में मिट्टी डालूँ तो उसमें अच्छे से चला जाए। और यहाँ पे पॉट का काम करते करते मैं चंदन से बात कर रही थी, डॉक्टर साहब भी आ रखे थे, उनसे बात कर रही थी। तो काम मेरा हो भी रहा था, मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मतलब पॉट का बहुत काम किया। मेरे सारे इंडोर प्लांट्स लग गए थे, सब में मैं खाद डाल रही थी, और उसके साथ साथ मैंने और भी सीड्स लगाए हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इसमें फ़िलहाल आप इंडोर प्लांट्स ही देखोगे। तो फाइनली मेरा यहाँ सारा काम हो गया प्लांट्स का। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सारे इंडोर प्लांट्स एक एक करके। मुझे नाम नहीं पता है, बस इसका पता है ये स्नेक गार्ड है, और जो इसके बाद जो प्लांट आएगा वो भी स्नेक गार्ड है। दोनों अलग अलग कलर में हैं। और जो मैंने कुछ सिटिंग बालकनी वगैरह रखी हुई है तो उसका नाम मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो होप कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।